हेलो जी, कैसे हो आप? तो स्वागत है जी आपका मेरे यूट्यूब चैनल खाना खजाना ब्लॉगर मीना में। आज मैं लेकर आई हूँ एक और नई वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं डालूँगी इसमें जीरा। जीरा को मैंने अच्छे से भून लिया। अब मैं डालूँगी इसमें चॉप किया हुआ हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। इसको हमें हल्का सा ब्राउन करना है। तो इसका कलर चेंज हो चुका है। अब मैं डालूँगी इसमें कटा हुआ प्याज। प्याज को भी हमें हल्का ब्राउन करना है। अब मैं डालूँगी इसमें टमाटर। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब बारी है मसालों की। नमक स्वाद अनुसार, हल्दी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसाला हमारा आधा भुन चुका है तो अब इसको हल्के हाथों से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद आधा कप पानी लगाएंगे। मसाला हमारा भुन चुका है। अब मैं डालूंगी इसमें कटे हुए आलू और बैंगन। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक दूंगी। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं रेसिपी को चेक कर लेती हूँ। तो रेसिपी हमारी आधा से ज़्यादा पक चुकी है। अब इसको फिर से 2 से 3 मिनट के लिए ढक दूँगी। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब फिर से रेसिपी को चेक कर लेते हैं। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी हमारी बनके तैयार है। अब मैं तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से टूट रहे हैं, ये देखिए। तो अब बारी है हरा धनिया डालने की। तो जहाँ पर मैंने डाल दिया कटा हुआ हरा धनिया, जो कि इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।